जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC CHSL 10+2 भर्ती 2020-2021 के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये जानकारी जो आप अभी इस वीडियो के अंदर जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है और आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको प्रत्येक जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर जो आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है इसके बारे में देख लीजिए। आपको यहां पर बताया है कि किस रीजन के किस लोकेशन पर या फिर सिटी में आपके एग्जाम सेंटर होने वाले हैं और उसका जो एड्रेस है रीजन का वो क्या है, ये आप इस टेबल के अंदर देख सकते हो। साथ ही जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे होगे तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप 3 लोकेशन ऐसी कौन सी चूज करना चाहते हो जहाँ पर आप चाहते हो कि इनमें से किसी एक पर आपका एग्जाम सेंटर रहे। तो वहां पर जो भी आप चूज करोगे उन्हीं में से आपको एक एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, यानी कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में वीडियो आ चुकी है, तो आप वो वीडियो वॉच करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही एलिजिबिलिटी के वीडियो के बारे में भी मैं जानकारी दे चुका हूं। इन दोनों वीडियो के डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे जो कि आप अभी वॉच कर रहे हो। अब यहां पर आपने इसके बारे में जान लिया, अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहां पर दोस्तों जो आपका बेसिकली सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका 3 राउंड में किया जाएगा। पहला है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टियर फर्स्ट, और फिर दूसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर टियर 2 के अंदर आता है, और टियर 3 में आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट आएगा। तो इन 3 मोड में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करते हैं यहां पर एक एक करके इन तीनों के बारे में। तो जो आपको मैंने बताया कि आपका 3 तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा, फिर यहां पर आपको जो आपका टीयर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में जानकारी जाननी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं टीयर फर्स्ट के अंदर, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बेसिक नॉलेज होगी, इसके लिए आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। सेकेंड सब्जेक्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस, इसमें भी आपको सेम मार्क्स और सेम क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए आपको इसमें जो आपका है बेसिक अर्थमेटिक स्किल आपकी रहेगी इसके अंदर, और जनरल अवेयरनेस इसके लिए भी आपको 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स दिए जाएंगे। इस प्रकार यहां पर आपके जो एग्जाम के अंदर टोटल क्वेश्चन होंगे वो आपके 100 होंगे और उसके लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स 200 दिए जाएंगे। फिर एग्जाम करने के लिए यहां पर आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, और जो कैंडिडेट विकलांग की जो पैराग्राफ 8.1 एंड 2 है उनको यहां पर 20 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी कि 80 मिनट दिए जाएंगे। और जो आपके क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो यहां पर इन्होंने बोला कि इन द क्वेश्चन पेपर वेयर एवर नेसेसरी The metric system of weightage and measures will be used. Basically, इसमें ये आपका जो मेजर सिस्टम है उसका वेटेज यहाँ पर यूज किया जाएगा, और साथ ही जो आपके क्वेश्चन का लेवल है वो आपका 10th लेवल का होने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर टीयर फर्स्ट जो एग्जाम है उसके अंदर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनको हिंदी में बहुविकल्पिया आप बोलते हो, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। और जो आपके क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा वो आपका इंग्लिश एंड हिंदी होने वाला है पार्ट 2, 3 और 4 के लिए, यानी कि जो आपका यहाँ पर है पार्ट 2, 3, 4 इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आएंगे। आप जिस पोर्शन को चाहे सोल्व कर सकते हो, बट जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो चाहे आप हिंदी का पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश का, वे सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही होंगे, ये आपको क्लियर कर लेना है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग है जो कि आपकी 0.50 की होने वाली है, बेसिकली आपकी 1/4 की आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर दिए गए हैं। तो ऐसे में यहां पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी 0.50 की रखी गई है। तो यहां पर दोस्तों मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिनके अंदर एक तुक्का मारने की अद्भुत कला निवास करती है कि वो इस अद्भुत कला का यूज जितना हो सके कम करें। अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे में उन्होंने जो राइट आंसर देकर के जिनके बारे में वो श्योर है नंबर कमाए हैं वो नंबर आप खो दोगे। तो इस कला का प्रदर्शन जितना कम हो सके कीजिए, क्योंकि मैं इस बात से दुखी हूं कि जो कैंडिडेट तुक्का मारने की कला का अपने अंदर निवास करवाते हैं वो यहाँ पर उसको दिखा नहीं पाएंगे जितनी अच्छे से वो उन एग्जाम के अंदर दिखा पाते जिनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बट फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो कि हाँ इसमें से एक तो 100% करेक्ट है, तो फिर आप थोड़ा बहुत उसको
प्रदर्शन कर सकते हो, दिखा सकते हो। और ये सब मैं एक थोड़ा सार्केस्टिक वे में बोल रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सीरियस मत लीजिएगा, ये सिर्फ मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब ये आपने यहाँ पर जान लिया कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, जो कि आपकी मेन जानकारी है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो आपके एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, इन सब्जेक्ट में आपसे किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि मेन फोकस किन टॉपिक्स पर रहेगा। तो ये भी इन्होंने ऑफिशियली एसएससी ने इसी नोटिफिकेशन के अंदर दे करके रखा है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इन टॉपिक से आएंगे जिनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, इनके ऊपर मेन फोकस रहेगा, जो कि है स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनियम्स, होमोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, आइडियम्स एंड फारसिस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ड्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इन टॉपिक्स के ऊपर आपका फोकस रहेगा। तो आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर करना है, ये करना है कि हाँ ये आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे। अब आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस, तो इसमें आपको जो फोकस रहेगा या फिर जो टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। The test will include question on semantic analogy, symbolic operations, symbolic number analogy, trends, figural analogy, space orientation, semantic classification, Venn diagram, symbolic number classification, drawing inferences, figural classifications, punched hole pattern folding and unfolding, semantic series, figural pattern folding and completions, number series, embedded figures, figures series, critical thinking, problem solving, emotional intelligence, word building, social intelligence, coding and decoding and other subtopics if any, numerical operations। तो ये आपका focus इनके ऊपर होने वाला है। अब यहाँ पर है आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, तो इसके जो टॉपिक्स है उसमें आप देख लीजिए नंबर सिस्टम, जैसे कि कंप्यूटेशंस ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये आपका रहेगा। फिर फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में आपका परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस मिक्सचर एंड एलिगेशंस। फिर यहाँ पर है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। फिर है आपका अलजेब्रा, जिसमें कि बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्च, सिंपल प्रॉब्लम्स एंड ग्राफ्स ऑफ लाइनर इक्वेशंस। ज्योमेट्री में आपका फेमिलैरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड फैक्ट्स, ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स, सर्कल एंड इट्स कोर्ड्स, टेंजेंट्स एंगल्स सबस्टेंडेड बाई कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कॉमन टेंजेंट्स टू और मोर सर्कल, से आपका रहेगा। फिर मेंसुरेशंस में आपका किन का फोकस रहेगा, ट्राइग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट्स, वो आप यहाँ से देख लीजिए। अब है आपका जनरल अवेयरनेस, तो यहाँ पर आपको बोला है कि क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, यानी कि इसके अंदर जो क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो इस तरह से किए जाएंगे कि कैंडिडेट आपके आसपास क्या कुछ घट रहा है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसको आप कैसे देखते हो, उस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर होने वाले हैं। क्वेश्चन आर आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज of current events and of such matters of everyday observations and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person, यानी कि एक जो educated person है वो अपने आसपास के करंट इवेंट्स कैसे देखता है, आप उन चीज़ों को कैसे एक्सपीरियंस करता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके होंगे। दी टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्कीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, इनके ऊपर भी आपका मेन फोकस इसमें होने वाला है। अब बात करते हैं आपके टीयर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में, जो लोग टीयर फर्स्ट क्लियर करेंगे वही लोग टीयर टू दे पाएंगे। तो टीयर टू यहाँ पर जो है आपका, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा 100 मार्क्स के लिए, जो कि पेन एंड पेपर मोड में होगा। दी ड्यूरेशन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी ऑफ 1 आवर 20। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली ये वन आवर यानी कि 1 घंटे का रहेगा, 20 मिनट्स उन्हीं कैंडिडेट को दिए जाएंगे जो कि विकलांग कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर यहाँ पर इसमें आपका जो सब्जेक्ट है या फिर इसमें आपको करना क्या, वो है आपका दी पेपर विल कॉम्प्राइज ऑफ राइटिंग एसे, लेटर, एप्लीकेशन, प्रेसिस्ट इटीसी, ये आपसे इस पेपर के अंदर लिखवाए जाएंगे। दी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर टू वुड बी 33%, यानी कि इसमें जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके 33 है, यानी कि इतने मार्क्स अगर आप ला पाओगे तभी आप आगे भेजे जा सकते हो, यानी कि उसके बाद फिर मेरिट पर डिपेंड करेगा, बट मिनिमम आपको 33% तो लाने ही होंगे। दी पेपर विल हैव टू बी रिटन इधर इन हिंदी और इन इंग्लिश, यानी कि ये पेपर भी आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा, इसमें आप
चाहे हिंदी के अंदर लिखो चाहे इंग्लिश के, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवार्डेड 0 मार्क्स, यानी कि यहाँ पर जो पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी है एंड पार्ट, इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट मस्ट राइट दियर करेक्ट रोल नंबर, यानी कि आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि आपको एडमिट कार्ड जब इशू होगा वहाँ पर भी आपको बताया जाएगा, तो ये आपकी वैसी चीज़ है जो कि आपको बाद में क्लियर हो जाएगी। फिर आता है आपका टीयर थ्री, जो कि टीयर फर्स्ट टीयर टू क्लियर कर जाएंगे उनका, फिर आपका टीयर थ्री होगा जिसमें कि स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑन द कंप्यूटर्स, ये आपके कंप्यूटर के ऊपर होगा। और यहाँ पर स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द सिटीज वेयर रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन आर लोकेटेड, यानी कि जो आपके रीजनल ऑफिस हैं उन लोकेशन के, जो कि अभी आपने ऊपर एग्जाम सेंटर में देखा होगा वहाँ पर ये किया जाएगा। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि इसमें आपको कोई परसेंटेज या मार्क्स प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ पास होना होगा। एरर इन द स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जो आपके एरर होगे स्किल टेस्ट के अंदर वो आपके अप टू यानी कि 2 डेसिमल की जो जगह है उन तक कैलकुलेट किए जाएंगे। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर फॉलोइंग स्कीम, यानी कि जो यहाँ पर स्कीम है इसके अकॉर्डिंग आपका ये टेस्ट लिया जाएगा। तो जो स्किल टेस्ट होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए, यहाँ पर आपको बोला है कि स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि DEO पोस्ट के लिए ये अनिवार्य है। नो कैंडिडेट इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग इन स्किल टेस्ट, कोई भी कैंडिडेट जो DEO की पोस्ट पर अप्लाई करे वो इसके अछूते नहीं रहेंगे। डाटा एंट्री स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर होवर ऑन कंप्यूटर, ये इसके आपका की डिप्रेशन रहेगा। विल बी एडजर्न्ड ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड्स की डिप्रेशन एज पर द गिवन पैसेज, यानी कि जो आपको पैसेज दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 15 मिनट, यानी कि इसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। एंड प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 2200 की डिप्रेशन वुड बी गिवन टू ईच कैंडिडेट, यानी कि प्रत्येक कैंडिडेट को यहाँ पर 2000 से 2200 की डिप्रेशन का एक जो पैसेज है वो दिया जाएगा। हु वुड एंटर द सेम इन द कंप्यूटर, यानी कि आपको वही सेम चीज़ कंप्यूटर के ऊपर एंटर करनी होगी। द पैसेज टू बी एंटर्ड इन द कंप्यूटर में आल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और जो आपका पैसेज है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी दिखा जाएगा। फिर यहाँ पर है फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CA&AG दी स्पीड ऑफ 15,000 यानी कि 15,000 की डिप्रेशन पर होवर ऑन कंप्यूटर विल बी एडजॉइंट, यानी कि इसकी जो की डिप्रेशन रहेगा वो आपका 15,000 की डिप्रेशन का होने वाला है। इसमें भी आपको यहाँ पर 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और जो आपका पैसेज होगा उसमें आपको यहाँ पर 3700 से 4,000 की डिप्रेशन दिए जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग टेस्ट LDC JSA एंड पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए होगा, जिसका जो लैंग्वेज का है वो भी आपका इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा। और जब आपने फॉर्म को फिल किया होगा तो वहाँ पर आपने चूज किया होगा कि आप कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हो। दी कैंडिडेट्स विल हैव टू ऑप्टेड फॉर द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय जैसे कि मैंने आपको बताया चूज करना होगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग ये आपको देना है। तो यहाँ पर बोला है कि दी चॉइस ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल, तो ये आपने मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया है फॉर्म को भरते समय उनकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज चूज किया उनकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और अगर की डिप्रेशन की बात करें तो 10,500 एंड 9,000 की डिप्रेशन होनी चाहिए, 10,500 इंग्लिश में और हिंदी में आपके 9,000 की डिप्रेशन की स्पीड रहनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसके बारे में ज़रूरी जानकारी जान ली है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, एक एक करके मैंने आपको सभी जानकारी क्लियर की है। अगर आपका कहीं पर कोई डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और बस यही थी आपकी SSC CHSL 10+2 सिलेबस 2020-2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।